गाथा है ये बहुत पुरानी, ऋषि वाल्मीकि की है ये वाणी। दिलों में बसती है हमारे रामायण की यह अद्भुत कहानी। Let's keep moving to the Diwali. This is the journey to Diwali. Let's keep moving. पुण्य भाकर अपना शिष्य तरी गुरु कुल से लौटे ही थे दशरथ के संग। असुरों ने फैला रखा था डिस्ट्रेस, गुरु विश्वामित्र सेंट श्री राम टू। Hear the man, hear the man. भातृ प्रेम के कारण सत्य लक्ष्मण साथ में मिलकर किया राक्षसों का रक्त चरण। वहां जनकपुरी में उलटी आला सीता माँ के विवाह की, वहां पर चल रही थी पार। सपा में पहुंचे दोनों भाई, ग्रुप के सचार धनुष को उठाने वाले को ही मिलेगा सीता माँ का, मिलेगा सीता माँ का। उठाई नहीं किसी पर वो दिव्य हथियार, महाराज जनक ने लगाई पूरी सपा को ललकार। फिर क्या? अब फिर से एक स्लो मोशन शॉट दे भी दो ना यार, क्योंकि श्री राम ने तोड़ी दिया है वो शिव धनुष नामक दिव्य हथियार। मैं जय श्री राम, जय 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 श्री राम, मेरे सिया राम, जय 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 सिया राम, मेरे सिया राम, जय 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 सिया राम, मेरे सिया राम, जय 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 सिया राम। अयोध्या का माहौल था खुशनुमा, तालाब की गंदी मछली बन के आई मंत्रणा। माँ के कई का दिमाग घुमाया, वचन बद्ध महाराज का फायदा उठाया। और फिर श्री राम को वनवास दिलाया, श्री राम को वनवास दिलाया, श्री राम को वनवास दिलाया, दिलाया दिलाया। 14 वर्ष का मिला वनवास, साथ जाने को अड़ गया भाई खास। पिता की आज्ञा का रखने मान, सिया राम ने किया वन को प्रस्थान। पुत्र विरक्ता ना झेल पाए, लालच किसी और का प्राण इसने गवाए। चारों ओर छाया हाहाकार, अयोध्या पर भी छा गया अंधकार। चारों ओर छाया हाहाकार, अयोध्या पर भी छाया अंधकार। अंधकार। Hello everyone, I am Tushar and I am the one behind drawing all those illustrative sketches according to the Yash script, and ये हमारा first collaboration project है। So इस channel को subscribe करना ज़रूर, क्योंकि इसके ऊपर हमारे और collab projects आने वाले हैं। आप लोग अभी तक यहीं हो तो आप लोगों को ये video ज़रूर पसंद आई होगी। इस video को हम लोगों ने ना पहली वाली video से थोड़ा ज़्यादा innovative किया है, मतलब important shots है उनको कुछ नहीं तो 4 नहीं 5 नहीं 6 बार हम लोगों ने बनाया, नहीं पसंद आया तो दोबारा काम किया है उसके ऊपर, इसलिए जिससे कि हमारा अगला एपिसोड और भी ज़्यादा अच्छा हो। एंड अच्छे से कहने का मतलब ये है कि अभी तक इसमें हम लोगों ने एक कैरेक्टर जो है रिवेल नहीं किया है, वो है हनुमान जी का, जो सबसे ज़्यादा लवेबल कैरेक्टर माना जाता है रामायण का। सो वो रिवेल होने वाला है एपिसोड नंबर 3 में, तो अगर आप लोगों को देखना है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, जैसे कि हमें मालूम पड़ेगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि तभी आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का टीज़र एंड नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। सो टिल दैट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।